क्या आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका रीजन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती है तो हम उसके किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन पता करने के लिए एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और टेंजेंट हमेशा एक पॉइंट से एक ही ड्रॉ हो सकती है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं या फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि दोनों का रीजन सेम है। जब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं डायरेक्शन बनाऊं दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे, तो वहां पर दो टेंजेंट ड्रॉ होंगी। क्या ऐसा कभी पॉसिबल है? नहीं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के केस में अगर आप इस पॉइंट पे कंपास को भी रखते हैं तो कंपास की निडल खुद कंफ्यूज हो जाएगी कि उसको किधर डिफ्लेक्ट होना है, इसलिए कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। दैट्स वाई two magnetic field line or we can say that two electric field line never intersect each other.